डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन था उसमें क्या हुआ कि कल का जो मूवमेंट था उसका कंटिन्यूएशन था और ये R1 प्रीवियस डे हाई के पास से ही रिजेक्ट होकर वापस आ गया। ट्रेंड रिवर्ट हम कब मानेंगे? जब R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट डे के लिए भी अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए भी R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर की ओर मूव आ जाएगा। और आज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कल का कंपेरेटिवली नीरो CPR है, मतलब मंडे के दिन मोमेंटम फास्ट देखने को मिलेगा और मंडे के दिन वो इलेक्शन का जो रिजल्ट है या जो भी है अनाउंसमेंट जो भी आएगा कि संभावना जो आएगा उसके बेसिस पे मूव कर सकता है। लेकिन आज कितने लोग ट्रेड किए हैं सर? आज तो हाथ नहीं लगाया, प्रीमियम बहुत कॉस्टली था। यस सर, सर मैंने ट्रेड किया था। जी आज ध्यान दिए होंगे, मार्केट गिर रहा था लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा था, कॉल ऑप्शन का। शुरू में तो खैर वो रिएक्ट किया पैरेलली, बट बाद में क्या हो रहा था कि अगर प्राइस गिर भी रहा है तो कॉल ऑप्शन का भी प्राइस बढ़ रहा था। तो जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये जो गिरावट आ रहा था ना, इसमें कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा था ये गिरावट में। तो आज मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से क्या हो रहा था कि प्रीमियम एक्सपांड हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय आज एक्सपांड हो रहा था, इसलिए मार्केट बंद हुआ भी, लोअर साइड में भी बंद हुआ तो प्रीमियम उसका बढ़ के ही बंद हुआ है, चाहे कॉल का प्रीमियम हो चाहे पुट का प्रीमियम हो। मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्शन रिजल्ट का है या ओपिनियन पोल हो सकता है, मंडे को जो ओपिनियन पोल आएगा, एग्जिट पोल के हिसाब से भी रिएक्ट कर सकता है। तो अभी आने वाला 2 से 3 दिन जिसका अगर कमांड नहीं है वो अवॉइड कर दे ट्रेडिंग तो बेहतर रहेगा। आने वाला जो मंडे और ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को अगर चाहें तो जीरो हीरो कर सकते हैं 12 बजे के बाद, या फिर 12 बजे के बाद क्या करना है कि अग्रेसिवली दूर का कॉल सेल करके रख देना है, क्योंकि अगर अभी देखेंगे तो 24,000 का कॉल भी 70 रुपीज़ चल रहा है जो कि 1,500 पॉइंट दूर है। तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड है, तो 12 बजे के आसपास आपको प्रीमियम एकदम से एक्सपांड होता हुआ दिखेगा तो जो ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शन सेलिंग करके छोड़ सकते हैं पोजीशन को 2 दिन के लिए। तो आज का जो सेशन था उसमें क्या है कि बायर को भी उतना दिक्कत नहीं हुआ, सेलर को भी दिक्कत नहीं हुआ, बट वही है कि बायर के फेवर में था भले प्रीमियम ज़्यादा था, क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा था तब भी प्रीमियम गिर नहीं रहा था, प्रीमियम बल्कि और बढ़ जा रहा था। तो मंडे के लिए यही रहेगा कि मंडे को एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, एग्जिट पोल का जो रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पे एक रिएक्शन आ सकता है, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो ऊपर की ओर पहले ही ये जाके बैठा रहेगा 22,738 के लेवल पे, R2 लेवल पे, और उसके बाद जो रिजल्ट वाला दिन है उस दिन और एकदम से एक्सपांड हो सकता है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सीनेरियो रहा है। बैंक निफ्टी में तो नेरो CPR था, और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट डे का देखेंगे तो एसेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है। तो आज का भी जो CPR था वो एसेंडिंग CPR था और नेक्स्ट डे का भी एसेंडिंग CPR है, तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी के ज़्यादा पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर देखेंगे तो इसका CPR भी कंफर्टेबल लेवल है, और नेरो CPR के बाद जब वाइडर भी रहे और एसेंडिंग CPR है तो जब नेरो में बड़ा मूवमेंट नहीं आया है तो नेक्स्ट डे बड़ा मूवमेंट आता है, तो मंडे को आपको बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। संभावना यही है कि अपसाइड का ही मूव देखने को मिलेगा मंडे को। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन होने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कीजिए, आपको हमारा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा।
सर ये प्रीमियम इतने हाई क्यों थे सर आज? प्रीमियम इसलिए हाई है ना, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हो सकता है 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, है ना। तो इलेक्शन के बाद ये बैलेंस हो जाएंगे सर, जैसे एक लोट में लेता था पहले, हाँ हाँ 3-4 हजार का आ जाता था, आज सर एक लोट 11 हजार का था। हाँ ठीक है ना, तो वो होगा ना, मैं तो कल भी बोला था ना इस चीज़ को कि वॉलेटिलिटी जब बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ने लगता है, कोलैप्स होने के बजाय बढ़ने लगता है। हो सकता है मंडे को भी प्रीमियम बढ़ा ही हुआ मिलेगा और उस दिन घटेगा नहीं प्रीमियम। हाँ सर, सर नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के लिए कैसा रहेगा? ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है प्रीमियम आपको हाई मिलेगा। हाँ आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं, एट द मनी भी जा सकते हैं, बट प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा सजग होके करना है। क्वांटिटी कम रखेंगे, ये बस ध्यान रखना है। अगले हफ्ते जो भी ट्रेड लेंगे 4 जून तक क्वांटिटी कम रखेंगे, और 4 जून के बाद भी क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि उस दिन भी हाई मतलब वाइडर CPR ही रहने वाला है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद वाले दिन में भी वाइडर CPR रहेगा, तो उस दिन क्या होगा कि जो इलेक्शन रिजल्ट के दिन का जो इम्बैलेंस है वो उसके नेक्स्ट डे में बैलेंसिंग करने का काम होगा। तो पूरा जो नेक्स्ट वीक है वो थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी हो, और जिसको भी एक्सपीरियंस नहीं है वो ऑप्शन में ट्रेड ही ना करे, बेहतर रहेगा। या तो एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो ऑप्शन में ट्रेड ना करे नेक्स्ट वीक, और अगर लेना भी है तो कम क्वांटिटी में लेना है, बहुत कम क्वांटिटी में। अगर 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो उस दिन 50 क्वांटिटी में ही करिए, ठीक है, क्योंकि उस दिन ट्रैप होगा। तो कैंडल जो एक एक कैंडल होगा, हो सकता है निफ्टी में एक एक कैंडल 200-200 पॉइंट का बन जाए, अब उसमें आप कहाँ संभाल पाओगे, है ना। और कई बार क्या हो, हाँ फेवरेबल है, इलेक्शन का रिजल्ट आने तक तो फेवरेबल है, उसके बाद फिर सेलर के लिए बढ़िया रहेगा। सेलर को एक हफ्ता बढ़िया से मौका मिलेगा, सेलर वाला कॉल पुट दोनों बेच के भी बैठ जाएगा तो भी वो होल्ड भी कर सकता है, कैरी ओवर भी कर सकता है नेक्स्ट डे के लिए, है ना। और उस इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन तक, इलेक्शन रिजल्ट के बाद 2 दिन तक और रहेगा उसका इम्पैक्ट, वो 2 दिन वो जैसे पहले नॉर्मल होता था। हाँ जी मैडम, स्टॉक में आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कैश में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक ऑप्शन को अवॉइड कर दीजिए, या अगर लेना भी है तो बुल स्प्रेड के साथ लीजिए, अगर पुट साइड में जाना है तो पुट में भी बुल स्प्रेड करिए, मतलब सिंगल ऑप्शन को बाई करके नहीं जाना है। अगर ऑप्शन बाई किए हो तो ऑप्शन सेल भी करना है दूर का, ताकि आपका जो प्रीमियम है वो अगर 20 रुपीज़ एक्चुअल में है सिंगल लेने से, तो अगर आप स्प्रेड के साथ जाओगे तो वो 5 रुपीज़ हो जाएगा, तो आपका रिस्क 5 रुपीज़ का ही रहेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर लेना भी है स्टॉक ऑप्शन में, पोजिशनल भी लेना है, तो बुल स्प्रेड के साथ ही जाना है। ओके सर, ओके, है ना, सिंगल नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है। हाँ नीलेश जी, अपना क्वेश्चन पूछिए नीलेश जी। सर मुझे पूछना था, अभी मैंने आज ना निफ्टी के ना पी और सी का होल्ड करके रखा है 80-80 रुपए की, वो अभी दोनों प्रॉफिट में। हाँ वही क्वेश्चन है, क्या वो बढ़ने को ही निकाल क्या अपना पूरा ये इलेक्शन के टाइम पे निकालू बाहर? नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन के बाद मत निकालना, कल मतलब मंडे को निकाल देना, मंडे को भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा, है ना। इसको वो सर 4 तारीख तक होल्ड नहीं करना, प्रॉफिट मिलता रहेगा तो निकाल के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होल्ड करने वाला समय नहीं है, है ना। ओके, क्योंकि देखिए प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट डे भी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन जब वो इलेक्शन का काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और लगभग रुझान आने लगेगा, उसके बाद जो होना है वो 12 बजे 1 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो उसको जिसको भी उस दिन जीरो हीरो करना है, वो जिस दिन उस मतलब उस पर्टिकुलर डे में 4 जून को जिसका भी एक्सपायरी होगा, उसका 2-4 रुपये वाला कॉल या पुट जिसमें भी हो उसमें बाइंग पोजिशन ले लेने का है, 2000 रुपये लगा देने का है, और वो अगर आपके फेवर में आ गया तो हो सकता है 2 लाख रुपये वही दे दे, जीरो हीरो उस दिन कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये CPR नैरो ही हम काउंट कर रहे हैं ना,
हाँ नेरो है ना, और R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो जो गैप है वो हम उसको कम ही है ना, कोई ज्यादा नहीं है? हाँ बहुत ज्यादा नहीं है, चलेगा उतना नॉर्मल है, बट आज जो मोमेंटम आया है वो एक रेंज में ही आ गया है, रेंज में आ गया है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे होता है ना, नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग रहेगा, तो मंडे को आप देखोगे तो हो सकता है बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो वो कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब वो जा सकता है, बिल्कुल 1000 पॉइंट तक का मुँह आ सकता है, 49,998 R4 तक जा सकता है, right, है ना? थैंक यू, ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आपको तो अपने को एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाने के लिए जरा डर लगा था, तो उसमें आप एक बार बताए थे कि इतने पॉइंट्स बुक करके बाकी का 4 लॉट ले रहे तो 2 लॉट ये पॉइंट लेके तो वैसा कुछ कर सकते क्या सर? मंडे को देखना ना, मंडे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, उस कंडीशन में आप बुल स्प्रेड पे जाओ ना, जैसे अभी मान लो आप 49,000 का कॉल बाई करते हो, मान लो आज भी किए होगे तो 49,000 का कॉल बाई किया है ना, तो 50,000 का कॉल सेल करके बैठते, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रीमियम है ना कि 48,900 चल रहा है, 50,000 का भी कॉल सेल करते ना तो भी आपका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है जी, है ना? तो इसीलिए अभी मंडे तक आप, मंडे ट्यूसडे जो एक ये पूरा वीक बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड के साथ ही जाना है, ये पूरा वीक ऐसे ही रहने वाला है, इस वीक में अगर जिसका एक्सपर्टीज नहीं है वो ट्रैप होने वाला है, अच्छा। या तो सीधा सीधा शेयर्स में ट्रेड करना चालू कर दे, सिंपल इक्विटी में ट्रेड करना चालू कर दे, जिसको ट्रेड करना ही है इक्विटी में ट्रेड कर दे, अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो ऑप्शन में जाने का जरूरत नहीं है, और ऑप्शन में जाना है तो स्ट्रेटेजी के साथ ही जाना है ये हफ्ते, बिना स्ट्रेटेजी के जाएंगे ट्रैप हो जाएंगे, हो सकता है तुक्के में कई बार बन जाए बड़ा पैसा, बट कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं बोल पाओगे कि ये बनेगा ही, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतना हाई रहेगा ना कि संभालते नहीं बनेगा, एक ही कैंडल निफ्टी में 200 पॉइंट का बनेगा तो आप संभाल पाओगे क्या? आपके विपरीत में अगर 200 पॉइंट नीचे चला गया आप नहीं संभाल पाओगे, है ना? तो वो उस टाइप का मूवमेंट आ सकता है आने वाले 2 दिन तक, मंडे ट्यूसडे तक, उसके बाद फिर वो एडजस्ट होगा, ऊपर नीचे करके एडजस्ट होगा, उसके बाद फिर वो डायरेक्शन लेगा मार्केट, है ना? तो नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी के साथ ही ट्रेड करने का है, चाहे वो बुल स्प्रेड हो, बियर स्प्रेड हो, चाहे आप आयरन कॉन्डोर बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, हेज्ड पोजीशन के साथ ज़्यादा सुटेबल रहेगा, या फिर जिसका एक्सपर्टीज है वो ओपन पोजीशन पे बाई कर सकता है, सिंगल कॉल या पुट बाई कर सकता है, बट वो एक्सपर्टीज चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कम्प्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।